भूतिया जंगल। ये कहानी चार दोस्तों की है, जिनमें से एक दोस्त अंकिता 4 साल बाद यूएस से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया आई थी, और उसे मिलने के लिए उसके तीनों दोस्त उसके पास आते हैं और फिर आपस में बैठकर वो चारों बातें करते हैं। अरे यार अंकिता, तुम यूएस से 4 साल बाद आई हो, चलो कहीं चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी माया दी के हाथों का खाना खाना है। माया दी का नाम सुनते ही तीनों दोस्त सहम जाते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी छाया अंकिता को कहती है, नहीं हम नहीं जाएंगे। अंकिता गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है और सभी दोस्त अब उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह छाया अंकिता को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो अंकिता, क्या तुम आज फॉरेस्ट हाउस में नहीं आ रही हो? क्या यार, तुम लोग मेरा मूड मत खराब करो। तुम लोगों ने फॉरेस्ट हाउस जाने से मना कर दिया था और खुद ही फोन करके बोल रहे हो कि फॉरेस्ट हाउस चलो। वाह, अरे यार हम लोग वहां पर जाने के लिए मान गए हैं। आखिरकार तुम अमेरिका से इतने दिनों बाद आई हो और हम तुम्हारी इच्छा अधूरी छोड़ दे, ऐसे हुआ है कभी? ये सुनकर अंकिता खुश हो जाती है और जल्दी से रेडी होकर छाया के घर चली जाती है, जहां वो देखती है कि माहिर, अवनीत और छाया तीनों अंकिता का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंकिता जाती है, वो सभी अपना सामान लेकर कार में बैठकर फॉरेस्ट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग थोड़ी दूर पर जाते हैं कि तभी अचानक से कोहरा उनकी कारों को घेर लेता है। कोहरे की वजह से माहिर कार रोक लेता है। कार को रुका हुआ देख अंकिता बोलती है, अरे माहिर, तुमने कार क्यों रोक दी? अंकिता, आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। अंकिता और माहिर जंगल के बीचों बीच रोड पर कार रोककर बात कर ही रहे थे कि तभी उनको किसी की परछाई दिखाई देती है और सभी कार में बैठकर आगे की तरफ निकल जाते हैं। अंकिता, देख लिया अपनी जिद का नतीजा? अभी तो हम फॉरेस्ट हाउस पहुंचे भी नहीं है, यहाँ पर इतनी भयानक चीजें शुरू हो गई। ओफो छाया, बस भी करो, अंकिता को थोड़ी ना पता है यहाँ का राज। राज? कैसा राज? कुछ नहीं अंकिता। अवनी, मुझे सच बताओ। अंकिता के इस तरह बार बार पूछने पर उन्हें उसे सारा सच बताना ही पड़ता है। तुम्हें यहाँ का सच जानना है ना, तो सुनो। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चले गए थे और यहाँ पर माया दी बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब तो मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, मैं इस फॉरेस्ट हाउस का क्या करूँगी? इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं इस फॉरेस्ट हाउस को लॉक कर अपनी मम्मी के पास चले जाऊँ। माया खुद से ये बात बोल ही रही थी कि इतने में उसके पीछे 3 लड़के आ गए। माया जैसे ही पीछे पलटती है कि तभी वो देखती है कि उसके सामने 3 लड़के खड़े हैं, जिन्होंने माया को घेर रखा है और हंसते हुए नशे की हालत में आपस में बात करते हुए बोलते हैं, हाय ये जवानी, अरे सुंदरी, इस जवानी को समेट कर कहाँ लेकर जाओगी? तुम कौन हो? अरे जाने मन, तुम्हारा फॉरेस्ट हाउस इतना सुंदर है कि हम खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाए। मैं तो पहले ही कह रहा था कि आज का दिन तो बड़ा ही किस्मत वाला लग रहा है, देखो तो यहाँ आते ही लॉटरी लग गई। माया समझ जाती है कि अब वो इन दरिंदों के बीच फंस चुकी है और इतने घने जंगल में उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। कल तक जो फॉरेस्ट हाउस माया के लिए सेलिब्रेशन की जगह हुआ करती थी, अब वो उसके लिए बुरी याद बनने जा रही थी। धीरे धीरे वो तीनों लड़के माया के आसपास चक्कर लगाते हुए उसे घूरे जा रहे थे। जैसे जैसे उनके कदम बढ़ रहे थे, माया की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। बड़ी हिम्मत करते हुए माया ने उन्हें कहा, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अब इसको कैसे समझाए कि हम यहाँ पर आए तो है अपनी तमन्नाएं पूरी करके ही जाएंगे,
ऐसे कैसे इतनी आसानी से चले जाएंगे? इतनी सुंदर चीज को इस वीराने जंगल में अकेला छोड़कर इसका तो पूरा मजा लेना पड़ेगा। माया की बात सुनकर उन लड़कों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक लड़का कहता है, देखा भाई, हमें निकाल रही है ये। वे सभी लोग माया की बात नहीं सुनते और माया के साथ दुर्व्यवहार करके उसको उस जंगल में मार कर फेंक देते हैं और फॉरेस्ट हाउस को जला देते हैं। वहां पर माया की मौत हो गई, लेकिन माया की आत्मा वहीं पर रह गई। माया ने उस घर को एक बार फिर पहले जैसे बनाया और तब से इस जंगल के रास्ते कोई भी आता या जाता तो माया की आत्मा उसे नहीं छोड़ती, उसे वो एक भयानक मौत मार देती है। ये सब सुनकर अंकिता को मानो एक सदमा सा लग गया था। वो ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। अंकिता रोते हुए अपनी कार को फॉरेस्ट हाउस में ले जाती है। जैसे ही वो सभी लोग फॉरेस्ट हाउस के पास उतरते हैं कि तभी वहां पर तेज तेज हवाएं चलने शुरू हो जाती हैं। ये सब देख अंकिता बोलती है, माया दी, मैं जानती हूँ कि आप हैं। देखो, हम चारों आपके पास आए हैं। क्या आप हमें नहीं दिखेंगी? क्या हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया? अंकिता की ये बात सुनकर माया की आत्मा खूब तेज तेज हंसने लगती है और हंसते हुए उसने एक पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। या यूं कहें, माया की आत्मा ने उन सभी पर उस पेड़ के द्वारा एक हमला किया था। वो चारों बच तो गए, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी माया दी उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। अंकिता ये सब देखते हुए बोलती है, दी, आखिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम तो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। अंकिता को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी माया दी है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपनी दी से एक दिन इस तरह मुलाकात होगी। उन्हें इस हाल में देखकर एक और तो अंकिता को बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक और उसे अपनी दी के साथ हुए अत्याचार पर तरस और उन लोगों पर गुस्सा भी आ रहा था जिन्होंने उसकी दी के साथ ये सब किया। जैसे तैसे अंकिता खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है, तभी माहिर उसे बोलता है, अंकिता, तुम क्यों और किससे बातें कर रही हो? वो अब हमारी माया दी नहीं है। अंकिता उसकी बात नहीं सुनती और अपनी माया दी से रोते हुए बात करती रहती है। उसको रोता हुआ देख माया की आत्मा उन सभी के सामने आ जाती है। माया को देख उन चारों की आंखों में आंसू इस कदर बहने लगे मानो समुद्र का कोई झरना बह रहा हो। दी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई थी। अंकिता की ये बात सुनकर माया की आत्मा अब एक शांत आत्मा बन जाती है और उनसे रोते हुए बोलती है, मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए तुम सभी लोग उन तीन लड़कों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। मैं उन्हें मार कर मुक्त हो जाऊंगी। मैं अपनी दुनिया में सुकून से जी पाऊंगी। उसकी बात से वे सभी सहमत होते हैं और अपनी कार में बैठकर बगल वाले गांव में जाते हैं और उन तीन ठरकी लोगों को बहला फुसला कर उस फॉरेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद माया की आत्मा उनकी गर्दन तोड़कर खा जाती है और उनका आधा शरीर फॉरेस्ट हाउस के पास पेड़ों पर लटका देती है। माया उनके खून को खुद के शरीर पर लगाती है और अब वो एक मामूली इंसान का रूप लेकर उन चारों के गले लग जाती है और थोड़ी देर बाद वो वहां से अपने आप मुक्त हो जाती है। छाया, अवनीत, अंकिता और माहिर वहां से रोते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वे सभी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ तो गए, लेकिन वो कभी भी अपनी माया दी को भूल नहीं पाए और ना उस रात को भूल पाए।